अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको ऐसी नेकी बताने वाला हूँ, एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिससे आपको 2 बिलियन नेकी मिलेगी एक ही बार में। आप समझ रहे हो, 2 बिलियन नेकी एक बार में। बिकॉज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान ये दुआ पढ़ेगा वो इंसान को उतनी नेकियां मिलेंगी जितने मुसलमान इस दुनिया में हैं। तो इस दुनिया में अराउंड 2 बिलियन मुसलमान हैं, उससे ज़्यादा ही है, राइट? तो आपको उतनी नेकियां मिलेंगी एक ही बार में। तो वो क्या दुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने भी आज ही ये सुना है और मैंने भी आज ही सीखा है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात। आई होप मैंने अच्छे से पढ़ा है, कुछ गलती नहीं की, बट ये दुआ है, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी एंड उसके साथ साथ इसका सोर्स भी दिख रहा होगा कि रेफरेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसका मतलब है, या अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव ऑल द मुस्लिम मेन एंड वुमेन। या अल्लाह सारे मुसलमान आदमियों और औरतों को माफ़ कर दे एंड उसके साथ साथ उन पे यकीन कर, राइट? बिलीविंग मेन एंड वुमेन। एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दुआ है, 2 बिलियन नेकियां आपको एक ही बार में मिलेंगी। तो इसको पढ़िए और नेकी कमाइए, और ये वीडियो किसी को शेयर करके भी नेकी कमाइए, बिकॉज अगर वो ये पढ़ेगा उसकी नेकी आपको भी मिलेगी, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज दिस इज़ कुरलुस उस्मान सीज़न 2 एपिसोड नंबर 87। लास्ट एपिसोड ज़बरदस्त था एंड धुंधार गद्दार निकल चुका है। पेद्रोस का साथ दे रहा है हमारे उस्मान बे के खिलाफ, और इसका क्या हश्र होगा वो पता चलेगा आज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टेस्ट चेक कर रहा है इसलिए कि मतलब कौन है? अच्छा, एक्सपर्ट्स को बुलाया इसने। अरे हाँ रे, ये एक्सपर्ट है पेद्रोस और मालिक कौन ही आता है और इन्हीं किसने? छोड़ो छोड़ो, देखते हैं। हाँ तो फिर बताओ मुझे, जगरूक तो कसर उतार दिया जाए कि उसने हमें धोखा दिया, या उसे वो दे जो वो चाहता है। दस्तावेजात असली है क्या? उसके पास बाकी दस्तावेजात भी हैं। वो कहता है कि तमाम दस्तावेज मौजूद है। क्या कोकतुक पर एतमाद किया जा सकता है? उसको अभी याद आ रहा है, वो बोलेगा एतमाद किया जा सकता है। बचाने के बावजूद उस पर एतमाद नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे यकीन है कि दस्तावेज आप तक ले जाएगा वो हमें। उसे जो चाहिए मिलेगा, मैं सोना लेकर आ जाऊंगा। सोना ये देगा पेद्रोस? उस्मान निकोला पर घात लगाएगा और मैं उसकी इत्तला सुलेमान को दूंगा। जब उस्मान घात लगाने लगा होगा तो फिर खुद चाल में फंस जाएगा। दूनदार साहब, उस्मान की मौत अगर इतने सिपाहियों के दरमियान होती है तो कोई भी वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर सभी मर जाएंगे तो फिर आप किसके सरदार बनेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं ना समझूंगा तुम किसके सरदार बने? बोले सरदारी का मनसब हासिल हो जाए एक दफा, उसके बाद ये मसला भी हल हो जाएगा।
आप फिर से परेशान क्यों हो गए हैं? चचा का आखिरी वक्त आ चुका। मेरा अभाव अजदाद की वंगूठी न जाने कहां गिर गई है। कहीं आपने तीर चलाते वक्त तो नहीं गिरा दी? निशाना तगड़ा था। उस वक्त वो मेरे अंगूठे में ही थी। ये जरूर सुलेमान की तरफ जाते हुए हंगामे के दौरान गिर गई होगी। जब इसके कपड़े चेंज कर रहे थे। इससे पहले कि वो किसी और को मिल जाए, आप उसे देखने चाहिए। सुलेमान की तरफ जाऊंगा तो देखूंगा खातून। जाने के हम खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाएंगे? ताजिरों को बाजार चाहिए, गाजियों को जंग चाहिए। एक अजीम फतह से हर तरफ हमारे नाम का डंका बजेगा और उसके बाद गाजी बड़ी तादाद में आएंगे। नए बाजारों का रास्ता खुलेगा, ताजिर भी आएंगे। उस्मान का हक है बेटी, अगर उसका। तो गाइस, अगर आप 10-20,000 रुपीस पर वीक अपने फोन से अर्न करना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू। मलहून इज बैक अगेन। मैं वो मकाम देखना चाहती हूँ जहाँ हम आबाद होंगे। इसका मतलब है आप इंतजार नहीं कर सकती है ना? ताखीर की कोई खास वजह? वो जगह जो हम आपको देना चाहते हैं वो बलू के आसपास है। वही जमीन क्यों? वह बहुत सी चरागाह है और जमीन जरखेज है। उमर साहब से मशवरा कर सकते हैं, वो अगर मुनासिब समझे तो वहां आबाद हो जाए। ये मुमकिन नहीं होगा। आने से पहले मैं काई कबीले के चारों अतराफ दरियाफ्त कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से वो तजारती मकाम नहीं। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ जरखेज जमीन नहीं बल्कि तजारती मकाम भी है। हमारे लिए कुछ बेहतर सोचें। मेरी इस बात की आप कदर करेंगे उम्मीद है। आप हमारी जमीनों को लेकर काफी कुछ जानते हैं, तो क्या आपका तिजारत करने का इरादा है? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हम चाहते हैं कि आप बरतर रहें और आपका और हमारा कबीला काफिरों के खिलाफ मजबूत ताकत बन जाए और दुश्मनों को कुचल सके। मुझे यकीन है कि हम हर आस्तीन के सांप को पकड़ लेंगे। उसने नहीं दिखाई। हाँ, नहीं दिखाई। दिखाती क्यों नहीं? मलहून खातून। ओए। जरा रुकिए। भाई, अगर पहले दी गई जमीने आप कबूल कर लेती तो आपसे तवक्कुआत रखना छोड़ देता। डेंजर उस्मान भाई भी डेंजर है भाई।
इस जमीन में आपका नया घर होगी। खुश होगी भाई? खुश रहिए धुंधार साहब, आपकी आबादकारी की देखभाल करेंगे। धुंधार धुंधू, किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कह सकते हैं। दुआओं का यूं असर पहली बार दिखा है। भाई खुश होगी भाई, अब तो दिखा दे अंगूठी, खुश होगी तो। अंगूठी लाया जा रही है, दस रख ली इसने अंगूठी। से मिलना चाहते थे, इंशाल्लाह खैरियत होगी। ताईजान, मेरी जान ताईजान, मेरी आपसे दरखास्त है। जो भी कहोगे वो हुक्म होगा मेरे लिए उस्मान साहब। अस्तग़फिरुल्लाह ताईजान, अस्तग़फिरुल्लाह। बताएं उस्मान साहब, मैं आपके कबीले को भी मदऊ करना चाहता हूँ। जाना चाहती है जरूर जाइए अपने कबीले, लेकिन मेरी ख्वाहिश है जाइए, लेकिन अपने पूरे कबीले और अपने पूरे खानदान को साथ लेकर आइए। ओए भाई, ताईजान का भी अलग कबीला है? तुम्हारा मतलब मेरे बहन भाई है ना? हाँ। बहुत अरसा हो गया, मैंने उन्हें बहुत याद किया। आपको उनसे मिलना चाहिए ताईजान, और उन्हें इन जमीनों पर हिजरत करने के लिए रजामंद कीजिए। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और ये कि उस्मान साहब खुशी से उन्हें यहाँ आने की दावत देते हैं। मैं कहूंगी बेटा, मैं कहूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें देखे बाहर कैसे रहूंगी? ओए